प्रभु के सहारे। एक बार एक राजा नगर भ्रमण को गया। रास्ते में देखा एक छोटा बच्चा माटी के खिलौनों को कान में कुछ कहता फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अचरज से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं इनसे पूछता हूँ, कभी राम नाम जपा? ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी ज्ञान की बात। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में रहोगे? बच्चे ने कहा, जरूर रहूँगा, पर मेरी चार शर्त है। जब मैं सोऊं तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूँगा तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूँगा मगर तुम्हें नग्न रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में हो तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके राजमहल में चलने को तैयार हूँ। राजा ने कहा, ये तो असंभव है। बच्चे ने कहा, राजन, तो मैं उस परमात्मा का आसरा छोड़कर आपके आसरे को क्यों रहूं, जो खुद नग्न रहकर मुझे पहनाता है, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता है, खुद जागता है और मैं निश्चिंत सोता हूं, और जब मैं किसी मुश्किल में होता हूं, तो वो बिना बुलाए मेरे लिए अपने सारे काम छोड़कर दौड़ा आता है। कथा का भाव केवल इतना ही है कि हम लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी बेकार के विषय विकारों में उलझकर परमात्मा को भुलाए बैठे हैं, जो हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं, उस प्यारे के नाम को भुलाए बैठे हैं। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।